रिप्लेसमेंट सर्जरी या घुटना बदलने का जो ऑपरेशन होता है उसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ। उसमें आपका जो नी रिप्लेसमेंट होता है, ये हड्डी के ऊपर जो कटोरी आपका खत्म हुआ है उसको दोबारा हम वही कटोरी लगाते हैं। जो कटोरी आपकी ऊपर जांघ की हड्डी या फीमर में जो लॉस हुआ था 5 से 9 मिलीमीटर का, उसको हम लोग साफ करते हैं मशीन से, उसके ऊपर थोड़ा सीमेंट भर के फिर दोबारा ये कैप लगा देते हैं। इसको फीमर बोन रिप्लेसमेंट हो गया। नीचे आपका लेग बोन में जो होती है टीबिया में, उसको भी हम लोग साफ करते हैं। साफ करके उसके ऊपर एक मेटल का कैप लगाते हैं जो थोड़ा अंदर चले जाता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक सरफेस लगा के आपको फिर वही गैप दोबारा आ जाता है, वो स्मूथ सरफेस हो गया। हड्डी का ऊपर आपने कैपिंग कर दिया, नस का कवर हो गया, तो दर्द खत्म हो जाता है, बैलेंस आ जाती है, अलाइनमेंट आ जाती है, मूवमेंट फ्री हो जाता है, बिना दर्द से आपका सारे घुटना मूवमेंट कर सकते हो। इसी को हम लोग नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन आम आदमी का जो बिलीव होती है कि घुटना बदलना मतलब सारे हड्डी मांसपेशी स्किन सब निकाल के नया एक जॉइंट बनाते हैं, वो नहीं होता है। इसमें लोगों को गलत फहमी है कि घुटना बदलना मतलब पूरा घुटना चेंज कर दिया, बदल दिया। घुटना बदलना मतलब होती है सिर्फ एक कैप लगाना। अगर आप दांत की कैरीज टूथ या कीड़ा लग गया बोलते हो, उसको साफ करके सीमेंट भर के उसके ऊपर कैप लगाते हैं, वही चीज हम ये घुटने के ऊपर करते हैं। आपका दांत पूरा निकालते नहीं है ना घुटना पूरा निकालते हैं। इसी को नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं।